दिल में बुराई रखने से बेहतर है कि नाराजगी जाहिर कर दो। मैं सब जानता हूँ, यही सोच इंसान को कुएं का मेंढक बना देती है। खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखो। कहने को अगर जीभ मिली है तो सुनने को भी कान रखो। वो गलतियां बहुत दर्द देती है जिनकी माफी मांगने का वक्त निकल चुका हो। बड़े बनकर बातों को याद रखने से क्या हासिल, कभी छोटे बनकर बातों को भूलना भी सीखो। खुश होना है तो तारीफ सुनो, और बेहतर होना है तो निंदा। हमेशा पहले स्थान में रहो, मुस्कुराने में, सहयोग करने में, प्रशंसा करने में और क्षमा करने में। संतोष है रोटी और दो कपड़ों में भी आनंद है, और लालच है तो चार रोटी और दो बंगलों के बाद भी तनाव है। ढोंग की जिंदगी से बेहतर है ढंग की जिंदगी। जब किसी का गुण दिखाई दे तो मन को कैमरा बना लो, जब किसी का अवगुण दिखाई दे तो मन को आईना बना लेना। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखों को इतना काबू में रखो कि उसके सत्कार के अलावा उसकी कमियां ना दिखे। और जब किसी के घर से निकलो तो अपनी जुबान पर काबू रखो, ताकि उसके घर की इज्जत और राज दोनों सलामत रहे। इन बातों को गांठ बांध लो, जो पिता के पैरों को छूता है वो कभी गरीब नहीं होता, जो माँ के पैरों को छूता है वो कभी बदनसीब नहीं होता, जो भाई के पैरों को छूता है वो कभी गमगीन नहीं होता, जो बहन के पैरों को छूता है वो कभी चरित्रहीन नहीं होता, और जो गुरु के पैरों को छूता है उस जैसा कोई खुशनसीब नहीं होता। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और हमेशा मुस्कुराते रहना।